व्हाट्सअप गाइस, फिर से वापस आ चुका मेरे नए वीडियो के साथ। एंड आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों के लिए जरूर करना चाहूंगा, वो है अ बाउ डाउन टू यू, वेरी वेरी थैंक यू गाइस, क्योंकि आप लोगों के वजह से हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं। मैंने ये विश्वास नहीं किया था, मैंने ये सोचा बिल्कुल भी नहीं था गाइस कि ये मुकाम तक हम लोग पहुंच भी सकते हैं, बट आप लोग थे मेरे साथ कॉन्स्टेंटली एंड मैं सब लोगों को एक बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहता हूं। तो ज्यादा वक्त ना ज्यादा करते हुए आज के वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है एक और शॉर्ट एनालिसिस, जो इस्लाम का टूर्नामेंट चल रहा है वहां पे एक मोमेंट हुआ जहां पे एक 1v2 सिचुएशन मुझे देखने को मिला बिटवीन टोटल गेमिंग एंड ओरैंग ओटैंग एलीट। अब ये टोटल गेमिंग और ओरैंग ओटैंग एलीट के बीच का मैंने फाइट क्यों हाईलाइट करने की सोची, क्योंकि आप ये एक ऐसा मोमेंट था कि देखिए आज ओरैंग ओटैंग एलीट का जो रन है ना बहुत अच्छा जा रहा है। पहले तो उन्होंने विलेजर ईस्पोर्ट के एक मैच में 17 किल के साथ पूजा निकाला, जो कि बिल्कुल भी मजाक नहीं है, क्योंकि वो भी टूर्नामेंट 8 लाख का प्राइस पूल के साथ चल रहा है। इस्लाम का टूर्नामेंट भी अब कह सकते हो कि थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स काफी चल रहे हैं ये प्रो लीग की कोरिस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे टीम्स ना अपने अपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज ट्राई आउट कर सकते हैं। तो ज्यादा वक्त बिल्कुल भी मजाक करना चाहिए, मैं आप लोगों को ये मोमेंट दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या हो सकता था और क्या हुआ एक्चुअली। ओके, सो बेसिकली ये इस्लाम के टूर्नामेंट का पहला मैप है जहाँ पे बर्म्यूडा में आप देखिए कौन से टीम्स अलाइव है। वंस अगेन अगु जो हमारे जय भाई हैं, उसके बाद ओरैंगोटैंग इलीट और कसाना सरप्राइजिंगली आज ओरैंगोटैंग इलीट के साथ खेलते हुए नजर आ रहे। तो अभी काफी कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें चल रहे हैं ओरैंगोटैंग इलीट में। कभी लीकी जो है TSM में खेल रहे हैं, कभी लीकी जो OG में खेल रहे हैं, तो कभी कसाना OG में खेल रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए शायद कसाना इनकी टीम में खेल रहे हो। अब ये रही टोटल गेमिंग की टीम, जो 6 नंबर की टीम मिनी मैप पे अभी देख लीजिए। अब ये 10 नंबर की टीम है, ये गॉडलाइक आप देख सकते हो RDP की एकदम बिल्कुल राइट हैंड साइड में है। अब ये मोमेंट में क्या हुआ आप देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल गेमिंग के लिए इस सिचुएशन में मैच को कन्वर्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, या फिर बुआ निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए ड्रेगो ऑलरेडी बहुत कम HP पे है आइकॉनिक, एंड एक साइड से यहाँ पे किलफीड जो है भाग रहा होता है। पहले तो RDP एंड आइकॉनिक ने बहुत अच्छा फाइट यहाँ पे निकाला होता है, कसाना यहाँ पे नॉक हो जाते हैं। अब RDP के बिल्कुल सामने यहाँ पे फौजी आ जाए, देखिए ठीक है, इस सिचुएशन के दौरान ड्रेगो जो है, ड्रेगो को आई थिंक यहाँ पे नॉक डाउन किया जा चुका है, फौजी आ जाए जो है अकेले बचे रहते हैं यहाँ पे गॉडलाइक के साथ। गॉडलाइक का पूरा फोकस और ओरैंगोटैंग का पूरा फोकस अपने ऊपर आया था, तो ये दोनों टीम्स अपने साथ फाइट करते रहते हैं। TSM को पीछे आइकॉनिक खत्म करके ऊपर आया था, आइकॉनिक चलो मान लेते हैं पीछे अकेला फाइट करता, RDP को पता था गॉडलाइक के प्लेयर्स का पोजीशनिंग। अब यहाँ पे निवेश के साथ एंड गॉडलाइक के दोनों प्लेयर्स के साथ यहाँ पे OG का एक इंटरेस्टिंग फाइट शुरू होता, बट आप सरप्राइजिंगली फॉर्सिटी का पोजीशनिंग देखिए, टोटल गेमिंग का बुआ यहाँ पे हो नहीं सकता है ठीक है, बट स्टिल ही ट्राइज इज लेवल बेस्ट। वो क्या करते हैं पीछे से आके ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो आप क्या कहते हो इसको गराज हाउसेस जैसे बोलते हो, वो गराज हाउसेस में से जगह में फौजी जा आके बैठ जाते हैं। अब आइकॉनिक का एक नेट गिनोत्रा को नॉकआउट हो जाता है, अभी भी आइकॉनिक के पास 2 नेट्स है एंड निवेश का HP लिटरली 1 HP सर्वाइव कर रहा है, एक और आखिरी ग्रेनेड जाता है आइकॉन की तरफ से, वो यहाँ पे खत्म कर जाता है। बट अभी भी आप फौजी का पोजीशनिंग देख लीजिए कि उनको अभी तक किसी ने स्पॉट भी नहीं किया है, एंड आई डोंट थिंक कि RDP को पता है ना ही आइकॉनिक को पता है कि कहाँ पे है। अब ये लोग लिटरली ढूंढ रहे होते हैं, यहां से आप सोच रहे होते कि 2v1 सिचुएशन है, किस कुछ भी हो सकता है, 50-50 चांस है, पर हमेशा जो प्लेयर अकेला रहता है उसके लिए ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ये मोमेंट पे क्लच कर सकते हो, बट हमेशा हम बोलते हैं कि नंबर एडवांटेज उसके पास है, वो ये मैच को कन्वर्ट करके ले जा सकते हैं। फौजी भाई के पास MP5 है, उनके पास AK में शायद बुलेट नहीं थे, बट वो सीधा खड़े होते हैं शॉट लेते हैं, आइकॉनिक पे शॉट कनेक्ट होता है, बट स्टिल ही कुडंट टेक हिम डाउन, एंड यही जो एक डिसएडवांटेज हो गया। अब जब बोलते ना कि क्या करेगा रामा जब चुआ चुक गई खेत, ये दोनों जगह पे यहाँ पे आइकॉनिक और हमारे RDP भैया को पता लग गया पोजीशनिंग, ऑब्वियसली बात है फौजी के लिए बच पाना बहुत मुश्किल है। सीधा जैसे ही फौजी भाग के अंदर जाने की कोशिश करते कवर लेकर जाते हैं, RDP का M837 का शॉट होता आता है एंड OG का एक और ब्रिलियंट बुआ, वो भी 14 किल के साथ यहाँ पे ओरैंगोटैंग इलीट जो है फिर से यहाँ पे बुआ कन्वर्ट करते हैं। अभी भी S9 के मैचेस जारी है, आप जरूर से चाहे तो जाके देख लेना। एंड यही तक का था ये जो एनालिसिस था, मैंने सोचा कि ये एक छोटा सा मोमेंट हुआ यहाँ पे आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दूं। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ड्रॉप कर देना, एंड जरूर से बताना कि यहाँ पे फौज ले जाए और क्या कर सकते थे और कल के दिन में एक्चुअली क्या होने वाले, क्योंकि कल ओरैंगोटैंग के लिए तो नहीं है बट टोटल गेमिंग की टीम जरूर से कल प्रो लीग के मैदान में उतरने वाले, उसके रिगार्डिंग कल जरूर से मैं वीडियो डालूंगा। बट टिल देन हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ गाइस, ये वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया तो अगला गोल 11K सब्सक्राइबर्स का जरूर से रखना चाहूंगा मैं। टिल देन हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।